ड्रम ब्रेक्स आती है आपको साइड ऑफ पर्सनली बात करता हूँ। फुट रेस्ट काफी अच्छा दे रखा है, स्पेस काफी इनर है, एक सिलेंडर तक छोटा आ सकता है कंपनी होगी। प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, 123 किलोमीटर की रेंज है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप नॉर्मली 40-50 पे जाते हो तो। एक स्थिति और अभी कैसी है, पूरा अलग लुक कर दिया पुराने जमाने की चेतक, मतलब घर वगैरह भी पुराना देखने को आपको मिल जाता है। कार आप जो है वो सीन देख के आप पहचान चुके होंगे मैं किस शोरूम की बात कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर विजिटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं जो है वो चेतक शोरूम में, जो भी बजाज का फाइनेंसर भी हुआ करता था, बजाज चेतक हुआ करता था। अब कंपनियाँ भी अलग अलग हो गई, चेतक एक अलग कंपनी बन चुकी है। तो सबसे पहले ये गाड़ी बाइक देख लो, मतलब स्कूटी देख लो यार। अब ये स्कूटी कोई MPFI पेट्रोल वगैरह इंजन नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसके जो है वो प्रीमियम 2901 और जो है वो ये 2901 ये मॉडल है, मिड मॉडल है, और ये बेस मॉडल टॉप मॉडल, ऐसे कुछ कुछ मॉडल आते हैं, प्रीमियम मॉडल सबसे टॉप मॉडल यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इस फीचर बताऊंगा क्या क्या इस मॉडल में आपको जो है वो मिल जाता है, सब कुछ ये चैनल पे आपको मेरे चैनल में दिखाई पड़ेगा, उमेश 007 चैनल पे। तो सबसे पहले जो है वो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये मोटरसाइकिल जो है वो लमसम में मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स की बैटरी लेती है, 4 आवर्स की बैटरी में फुल चार्ज होती है 0-100 मैक्स टू मैक्स। 123 किलोमीटर की रेंज दिखाती है, 4.6 किलोवाट की बैटरी है। और उसमें आपको सबसे पहले फ्रंट में ये कलर देख लो, फ्लोरोसेंट येलो आपको जो है लेमन कलर आपको देखने को मिलता है। काफ़ी मतलब जो है वो गेम खेलते थे आप ग्रैंड थी फोटोग्राफ, उसमें ये हुआ करती थी उस टाइम, US वगैरह में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती थी, आज जो है इंडिया में चल रही है। काफ़ी नया डिज़ाइन और नई कंसेप्ट है, और ये जो है वो वाइब यहाँ पे जुड़ी हुई है पुरानी वाली वेस्पा की। अगर ये जो है वो बात करते हो चेतक की बात करते हो, पहले चेतक ऐसी वो हुआ करती थी, ये देख रहे हो फोटो में लगाया हुआ है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है वो आते हैं बाइक के यहाँ पे। तो फ्रंट में आपको पूरा LED सेटअप देखने को मिलता है क्योंकि EV व्हीकल है। साइड प्रोपोर्शनल में दोनों के दोनों आपको जो ये ब्रेक्स है वो एडवांटेज है, अगर ओला और इसमें एथर में कंपैरिजन करते हो तो दोनों डिस्क नहीं आते, दोनों ड्रम आते हैं। फ्रंट में आपको जो है वो ब्लैक आपको जो है वो देखने को मिल जाता है, पूरा पियानो ब्लैक, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे हॉनेस्ट ओपिनियन से बोलते तो चेतक लिखा हुआ है यहाँ पे। दोनों के दोनों LED इंडिकेटर आते हैं, आपको कोई आपको हैलोजन आता ही नहीं, इसमें खेल ही नहीं है। बात करते हैं साइड ऑफ प्रोपोर्शनल में, तो स्पेस देख लो, ये सबसे ज़्यादा मतलब 2905 सेकंड टॉप वेरिएंट है, उसमें आपको स्पेस देख लो काफ़ी अच्छा सही है। दो बॉटल होल्डर है, टॉप लेते हो तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो आपको ग्लो बॉक्स आता है, इसमें ग्लो बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलता। ऑन करते हो तो इस तरह से आपको डिजिटल डिस्प्ले आता है, टॉप मतलब TFT कम डिजिटल है, छोटा डिस्प्ले है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी की बात करते हो ना तो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। अगर आप बात करते हो आउटडोर के प्रीमाइसेस की, उसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा। टॉप मॉडल में पूरा डिजिटल कंसोल आता है इसमें। यहाँ पे बात करते हो तो ये दोनों के दोनों कंट्रोल मिल जाते हैं, ये यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो मतलब लो बीम हाई बीम करने के लिए पासिंग लाइट्स वगैरह दे रखी है। इसमें पैक भी आता है प्रीमियम पैक, अगर आप बोल लेते हो तो आपको ये रिवर्स वाला जो है वो बटन ऑन हो जाएगा, यानी कि रिवर्स आप अभी जो है वो एंगेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से पैक लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैनुअल वगैरह सब कुछ गहरा, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ बता दिए। दो ओवर व्हीम आते हैं छोटे से, काफ़ी रेक्टेंगुलर शेप के, ट्रायंगल शेप के आपको नजर आते, काफ़ी सही है। पीछे बात करते हैं, ये पूरी लेदर पॉलिस्ट्री मिल जाती है आपको, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ किए हुए। बूट भी दिखाऊंगा, बूट खोलने के लिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे की सिस्टम भी अलग है। अगर आप खोलते हो बूट तो यहाँ पे प्रेस करके आपको यहाँ पे ये जो बटन है वो प्रेस करके आगे प्रेस करना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है, तब जाके जो है ये बूट खोलता है। मतलब आप ये ऐसे लगा लो कि ये देखो ऐसे प्रेस करके। टॉप मॉडल में ऐसे बटन्स वगैरह आते हैं, इसमें आपको देखने को नहीं मिलते, सेकंड टॉप मॉडल है 2905। यहाँ पे देख लो स्पेस इनफ है, एक हेलमेट तक आपका आ सकता है, एक रेनकोट आ सकता है, कुछ वॉलेट वगैरह रख के आ सकता है। वाटरप्रूफ फुल्ली आपको ये जो है वो बूट आपको मिल जाता है। दूसरी बात है फाइबर स्टिक मटेरियल है, रबर मटेरियल है, तो इसमें आपको जो है वो पावर सॉकेट का चार्जिंग मिल जाता है। 4.60 किलोवाट की जो है वो बैटरी पैक है, जो अराउंड जो है 4 आवर्स लेती है, 4 आवर्स 60 मिनट का ड्यूरेशन में। मतलब अगर ओला एथर से कंपेयर करते हो ना बाकी की तरह, मतलब कम टाइम लेती है यार, उसी 6-6 घंटे लेती है, 4 घंटे में चार्ज होता है, हो जाती है। 123 किलोमीटर चलती है, बूट भी काफ़ी इनफ डिसेंट है। अगर बात करते हैं पीछे तो चेतक यहाँ पे लिखा हुआ है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग वगैरह सब कुछ आता है। यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा देख सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस उसकी, इसका एक प्रॉब्लम बात बताओ, यहाँ पे जो है वो ये वाला जो है वो गियर अटैचमेंट है उसकी जो है वो अटैच की हुई है थोड़ी सी, मतलब जो है ना ग्राउंड मतलब ज़मीन से थोड़ी अटैच है, तो ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है इसका। अगर इस पार्ट की बात करते हो तो ये काफ़ी पार्ट मतलब टच हो पाता है। दोनों के दोनों ड्रम ब्रेक्स आती है आपको, साइड ऑफ प्रोफेशनल पर बात करता हूँ। फुट रेस्ट काफ़ी अच्छा दे रखा है, स्पेस काफ़ी इनर है, एक सिलेंडर तक छोटा आ सकता है आपको अगर कैरी करवाते तो। स्पेस वाइज अगर मैं बैठता हूँ, 5-7 इंडियन एवरेज हाइट है मेरी, बैठते हो तो ये देख लो काफ़ी स्पेशियस है, थाई सपोर्ट, लेग स्पेस वगैरह सब कुछ है, बढ़िया सा है। हाइट भी इतनी काफ़ी नहीं है, थोड़ी विड्थ में जो है वो सीट में ज़्यादा फोकस किया हुआ है बाइक का।
विड्थ काफ़ी बड़ी जो है आपको देखने को मिल जाती है। दूसरी बात है यहाँ पे जो है वो सेकंड टॉप मॉडल आप जो है वो देख सकते हो इसका, जो इसमें वही आपको जो आपको देखने को मिल जाता है 2905। यहाँ पे बात करते हो तो उससे ऊपर आपको आप जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये वाला दूसरा मॉडल। उसके बाद आपको मिल जाता है प्रीमियम टॉप मॉडल। टॉप मॉडल में इस तरह से कुछ आपको ये जो है वो डिजिटल डिस्प्ले वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ये रिवर्स वगैरह सब कुछ। उसमें जो कोई पैक लेने के लिए नहीं आपको ज़रूरत है, यहाँ पे रिवर्स वगैरह सब कुछ जो है वो बटन वगैरह एंगेज कर सकते हो। चेतक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो दोनों के दोनों सीट्स आपको लेदर अपहोल्स्ट्री वगैरह आपको मिल जाती है। और यहाँ पे स्पेस देख लो कितना है। ग्लो बॉक्स आपको बड़ा मिल जाता है, जो भी इसमें आपको इस वाले बाइक में देखने को नहीं मिलता, जो भी इसमें आपको देखने को मिलता है। लॉक अभी देख लो, उसमें जो है की ना मैनुअली है, इसमें की मतलब वायरलेसली मतलब कीलेसली रिमोटली चलती है। यहाँ पे सिर्फ बटन आता है, जैसे पुश स्टार्ट बटन है ना गाड़ी का, वैसे की वैसे। मैं भी जंबलिंग मुझे जंबल हो गया यार, मतलब यहाँ पे क्योंकि टॉप एंड मॉडल है ना, क्योंकि यहाँ पे कीलेस एंट्री है, यहाँ पे बटन सिर्फ प्रेस करना होता है और गाड़ी की जो है मतलब बाइक की है वो आपके पॉकेट में ऐसे होल्ड करके रह जाएगी। तो फ्रंट में देख लो पूरा एलईडी लैंप की विजिबिलिटी देख लो, पूरा डे टाइम रनिंग लाइट वगैरह आपको मिल जाता है। टॉप मॉडल की बात करता हूँ तो ये जो है वो सबसे बेस मॉडल है, मतलब 290 पर आपको मॉडल देखने मतलब बहुत वेरियंट है। इसके चार्ट में डाल दूंगा, आया था चेतक में जो है वो बजाज, अभी पहले का आ जाता था, अभी चेतक अलग कंपनी होगी। प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, 123 किलोमीटर की रेंज है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप नॉर्मली 40-50 पे चलते हो तो मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक 130 किलोमीटर जा सकती है गाड़ी, अगर आप जैसे मतलब टेरेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कलर काफ़ी यूनिक। तो आज ये ज़माना बंद हो चुका है क्योंकि MPFI पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा, और उसी ट्रेंड में वो जो है वो चेंज होके ये वही मतलब शेप वही रखा है उन्होंने। ये देखो, और दूसरी ये ऐसे जो है ना मतलब आप अगर हीट करते हो वैसे कुछ होने वाला तो नहीं है, मेटल का मटेरियल है अच्छा खासा। अब एक बात बताओ, अभी सब कुछ हो गया, इस बाइक का नाम है चेतक कंपनी का, नाम क्या है इसका? प्रीमियम, चेतक प्रीमियम। ओके, ओला एथर जो है आप जानते ही हो बहुत ज़्यादा मार्केट गेन कर रही है, वैसे कि वैसे अपनी चेतक भी गेन कर रही है। दूसरी बात है ईवी प्लेटफॉर्म में जो है वो बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म, तो स्कूटीज भी बढ़ रही है। और दूसरी आती है आपको पता ही है जो है हीरो की कोई कंपनी वीटा, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रही है। तो जहाँ पे चेतक की बात है अभी बताओ, वो वहाँ पे 130-140 किलोमीटर गेन कर रही है, 120 किलोमीटर जा रही है, तो आप कितना किलोमीटर एक चार्जिंग में ये जो है वो ट्रैवल कर सकती है पहले बताओ। ये जो हमारी बाइक है वो 126 किलोमीटर ट्रैवल करती है एक बार चार्ज करने में। ये जो मॉडल है सेकंड मॉडल है, अभी लॉन्च हुआ है, ये नया मॉडल है, मतलब ये कलर भी फ्लोरोसेंट कलर उन्होंने नया निकाला हुआ है। कलर का नाम क्या है बताओ? लेमन येलो कलर है ये, लेमन येलो कलर। अच्छा, पांच कलर आते हैं वो देखो, पांच कलर है। कौन सा? यहाँ पे ये ब्लू, उसके बाद जो है वो ब्लैक, उसके बाद ये थोड़ा सा सिल्की सिल्वर कलर, मतलब ऐसे थोड़ा सा गोल्डन टाइप आता है ये कलर। ओके, ये रेड वो नया कलर आप देख सकते हो, यहाँ पे नया कलर देखने को मिलता है। मतलब घर वगैरह भी पुराना देखने को आपको मिल जाता है। तो वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओमे007।